हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या लाल हो गए, क्या लाल हो गए, और ये बुढ़िया ने दिलवाए बुढ़िया के बाल। एंड आई मस्ट से कि अरुण का फेवरेट जूस बन रहा है जिसको वो दूर से देख के वैक वैक करने लग जाते हैं। यार जूस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ज़्यादा नहीं, आप हफ्ते में दो बार भी बॉडी को क्लीन करने के लिए लोगों ने डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, बहुत अमेजिंग है। और इसके रिलेटेड ना एक वीडियो भी है, 3 मैजिकल रिंग्स ऑन उपासना की दुनिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखी आप जाके देखना, बहुत ही बेनिफिशियल है ग्लोइंग स्किन के लिए। और ये मेरा रोज का स्ट्रगल, आप इमेजिन करो कि संडे है और वो आगे पूरा ये जाम लग रखा है, मतलब कितनी बुरी कंडीशन हो रखी है संडे के दिन। एंड ये लाई है उपासना दादी जी के लिए साड़ी। अब लोग पूछेंगे दादी जी तो दिखी ही नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुनेंद्र7 व्लॉग्स। और अभी बज रहे हैं 2:30 एंड उपासना बना रही है पास्ता, अपने लिए नहीं मेरे लिए ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन खा दोनों लेंगे। पापा निकल रहे हैं आज बनारस के लिए, सारा हो गया, मौज हो गई। हाँ एक्चुअली यार दादी का ना यहाँ पे मतलब मन नहीं लगता उनको, यहाँ पे थोड़ा सा ना घुटन घुटन सी फील होती है क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं है। वहाँ पे गांव में थोड़ा सा पंचायत पंचायत सी बैठ रही होती है, उनके एज के मतलब मेरा वही मतलब था, तो उनको मतलब काफी बार बोला तो वो कई बार अग्री करती हैं, फिर देखते हैं अभी उनको भी लेके आएंगे। तो अभी पापा जा रहे हैं कि 2-3 दिन फिर मिल के आ जाएंगे रिद्धि। हाँ पहले दादी पहले रह के जाती थी, फिर उसके बाद ना दादा की तबीयत यहाँ रहने पे काफी खराब हो गई, फिर उन लोगों ने डर लग गया, फिर आए नहीं। और ये इधर बना रही है यहाँ पे पास्ता, ये सोच के आई है बिल्कुल जैसे दुकान वाला। आज आपका राजीव चौक का पास्ता। पापा की हो गई है सारी पैकिंग डन, पापा को छोड़ के आएंगे मेट्रो स्टेशन। मम्मी बेचारी बैठी है, हाँ हाँ मनोरमा देवी किस सोच में डूबे हो वाले। ओ शायरा मनोरमा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 एंड हम लोग निकल रहे हैं रिद्धि को मैंने सोचा कि थोड़ा घुमा के लेके आते हैं, ठीक है पेपर वेपर चल रहे हैं पढ़ती रहेगी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मेले के लिए, तो हम जा रहे हैं द्वारका सेक्टर 10 में जो रामलीला मैदान है उसमें मेला लगा हुआ है, तो बहुत सारे झूले हैं, हालांकि झूलने हम दोनों भाई बहन ने है नहीं, है ना, मैं को झूलने है। चल देखता हूँ बेटे, सबसे पहले रोती आंडे की नहीं रोती कभी भी। मैं नहीं रोती कभी भी, मैं स्ट्रांग। वो देख वो मुड़ जाएगी हड्डी वहां से, ऐसे मत मोड़। ये तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, मेले में, मेला दिलों का। रिद्धि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे वहाँ पे, रामलीला क्या होती है, राम जी रचते हैं। तो यार उनको बोल रही थी मैंने, करूँ जब हमारे टाइम पे मतलब छोटे हम रामलीला देखते थे ना, सर्दियाँ हो जाती थी उस टाइम पे, बाटर डील चलती थी, मक्की के दाने लेके जाते थे भट्टियों में और उनसे भुना के लेके आते थे, उसमें से थोड़े से निकलवा देते थे, पैसे नहीं देने पड़ते थे उसको। यार आजकल के बच्चों को ना एक्चुअली इन चीज की वैल्यू नहीं पता, तो फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं रिद्धि को, वहाँ पे झूले वूले झुलाएंगे फिर आपको घुमा के लेके आएंगे, ठीक है। हमने थोड़ी ऑर्डर किया पागल। सो हम पहुंच गए हैं रिद्धि को मेला दिखाने, वैसे क्यों झूठ बोलूं, मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ यार, रहा ही नहीं कभी इतना शौक हो खाने पर, चलो ठीक है देखते हैं आज। ये वाला जो है ना कोलंबस, इसको देख के भाई साहब इतनी सारी यादें। और
हमारे दो दो बच्चे हैं, दोनों को बिठा दो। मैं दो को लाई हूँ आज। इतना पागल है। हेलो, मेरे को ये तो फिर भी थोड़ा कम डर रही है। मेरे तो भाई मेरे को ना वो वाला याद आ रहा है जो कोलंबस है ना, मेरी हालत खराब हो गई थी। रोना शुरू किया था ना। सही है, सिर्फ रोना रोना किया था। कई लोग तो आर आर कर देते हैं। रिद्धि ये पहली सच्ची कसम जिसमें बाल कौन क्या क्या इसमें नहीं बोलती। कह रही है अब ना आप अंकल लगने लगे हो। अंकल अरे यार जब पतला है तो पतला है, हल्का सा भी गेन हो जाए तो अंकल लग रहा है। भाई करूँ तो क्या करूँ मैं, है बोल इसमें क्या है। तो ये है बेकार है ये। डर तो रही है ये बीच बीच में है ना यार। मैं ना पता क्या गुस्सा हूँ मैं, क्योंकि ना यार ये ना मेरे को बार बार अब अंकल बोल रहे हैं यार। मेरे को ना अब ये हो रहा है कि जब मैं पतला था ना तो भाई साहब, अरे मैंने ये थोड़ी बोली था कि साड़ी के पापा को इतने की साड़ी लग के लगा देते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। हेल्थ गेन तो अब हुई है, वेट बढ़ गया। आ हैप्पी वुमन इज अ मिथ है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या लाल हो गए, क्या लाल हो गए, कैसा लग रहा है, कैसा लगा, बड़ा मजा आया। तो हम जा रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। क्यों है भाई ये, क्यों कैसे कर रहे हैं ये लोग। और ये रिद्धि हमारी बैठ गई है। नहीं लगा डर तुमसे, वैसे बंदे तुम्हें ढूंढ रही है वहाँ पे, तुमसे बंदे डर जाए। अरे वो तुम्हें ढूंढ रही है, वो बात भी नहीं करवाना। दादी तो ये मेरी बनी रखी है शूटर दादी, भैया समझ लो। ये उपासना ने सोचा अरुण, और अब उपासना और रिद्धि जा रहे हैं भूत बंगला में। मतलब एक एक आप घर तो जा रहे हो अपने, चलो तीन ले लो चलो। तो अभी हम जा रहे हैं उपासना के घर, जा रहे हैं भूत बंगला। बस चोट लग जाएगी तेरे ही लगेगी। जिस फोर्स से इसने उसको, जब मैंने भूत को पकड़ा ना और इसने मारा ना, जिस फोर्स से डर लग रहा था बेटा आपको, पर भाभी तो आपके साथ ही थी। तूने देखो कैसे मारा, तू कैसे दाड़ 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 उसको इतने फोर्सफुली मारा इसने। बेटा हाथ दबाने पड़ेंगे घर जाके। और ये बुढ़िया ने दिलवाए बुढ़िया के बाल। हेलो, अब हम लोग यहाँ से यार निकल रहे हैं। एक्चुअली यार मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो इतना दिन भर हो रहा है यार। आपको नहीं हो रहा ना, मुझे तो हो रहा है क्योंकि मेरे को हो रखा है ना। दिन में आप मेरे पास रहते कहाँ हो।
सबसे प्यारे कौन? पापा। यार हम लोग बस पहुंच गए हैं घर पे, देख के मेला, अब घर जाके वही काम, होम रेमेडी शूट। तू तो सोएगी, ये उपासना के लिए था। ऐसे लग रहा है ना, जैसी हो वैसी लग रही हो। रोहित शेट्टी को बुलाऊं लाइट कैमरा एक्शन बोलने के लिए? बुला लो। ये हो गया कि मेरे को शूट कैसे नहीं किया। हाँ बेटा, ये एक्टिंग मत कर, ये लेजर लाइट दिखाना अपनी। चल भैया भाई, एक और केस करवाएं भाई, लेजर लाइट तो ले आए हैं। यार पता है क्या लेजर लाइट का सीन अभी, अच्छा आप लोगों को पूरा बता नहीं रखा ना यार, बताऊंगा मैं धीरे धीरे, ये भी मेरे केस का हिस्सा है एक। नहीं, ये सबसे अहम वो है जो मेरे पे केस है उसका। उसकी आंखों हमारा घर नहीं हो गया, फैशन शो हो गया, काबू ही नहीं आ रही एक तो। ये तो यार उधर मत देखना आप लोग प्लीज, हम भी उसको देख देख के परेशान है, क्योंकि यार वो जो छिड़काव करवाया है ना इन्होंने, इतनी इतनी ज्यादा स्मेल हो गई है, उसका पहले ठीक होना पड़ेगा तभी तो। इधर आ जाओ, आपको फ्रेम खराब कर। एक मिनट। अरे तेरी लेजर लाइट तो वो बंद करा, तो वो फ्रेम खराब हो रहा है, फ्रेम वो बंद कर गेट। ओहो देख तो तू काबू ही नहीं आ रही बेटा, हमारे घर में मॉडल कम थोड़ी है। ये वही हिमाचल से मम्मी ने न्यू ड्रेस भेजी है रिद्धि के लिए, ठीक है? इट इज माय लेजर बीम। हां लेजर बीम है। टर्माइट्स ने यार खून पी लिया यार, हमारे कई कपड़े खराब हो गए। क्या कह रहे हो बेटा? तो सारे लेगिंग ही खाई है, पता नहीं इसको लेगिंग से ही प्यार था। क्या कह रहे हो रिद्धि? देखो दीदी, आप प्रॉमिस करते हो और प्रॉमिस तोड़ भी देते हो। क्या, कौन सा प्रॉमिस तोड़ दिया बेटा? कि मैं को ऊपर सुनाऊंगी। तो ऊपर नहीं सो रहे हो आप? अभी तो बोला आप दोनों ने, प्रैंक कर रहे थे ना बेटा। तो यार बहुत बहुत ज्यादा थक गए हैं, अभी बज रहे हैं 11:45, लेकिन अभी मेरे को बहुत ज्यादा काम है, मुझे अभी एक होम रेमेडी एडिट करनी है, फिर मुझे व्लॉग एडिट करना है, दोनों के दोनों अपलोड करने हैं। कल मुझे दो प्रोबेबिलिटीज हैं, या तो मेरे को कल किसी काम से रेवाड़ी जाना पड़ सकता है, या फिर मुझे उपासना के साथ, मतलब इन दोनों में से एक ने करना ही करना है, तो इसीलिए सारा काम अभी करके सोना पड़ेगा। आई होप आप लोगों ने व्लॉग को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि यार रिद्धि को ना हमारा बहुत मन होता है कि रिद्धि को हम घुमाएं, रिद्धि को लेके जाएं, तो जब भी हमें टाइम मिलता है हम अपनी गुड़िया को लेके जाते हैं, ठीक है? आज गुड़िया हमारे साथ ही ऊपर सो रही है, तो रिद्धि को हम फिर उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा खेलेंगे, थोड़ी थोड़ी मस्ती करेंगे। तो इस वाली वीडियो को यार लाइक करना नहीं भूलना है, एक स्पेशल लाइक रिद्धि के लिए एंड एक स्पेशल कमेंट रिद्धि के लिए। थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वाह ठीक है यार, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। आई लव यू ऑल।